मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन रोजगार पैदा करने का एक मौका है। मरकजी वजीर ने कहा कि लोग यहाँ लुत्फानंदोज होने के लिए आए, ताहम उन्होंने किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खुश हैं और यहाँ का माहौल पुरअमन है। लोग मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों से फायदा उठा रहे हैं। किरेन रिजिजू ने बडगाम में डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर लीगल डिफेंस का इफ्तिताह किया। हमारे साथ मरकजी वजीर किरेन रिजिजू जी है, या यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन आए हैं। सर, कश्मीर दौरे पे आप हैं, बड़गाम में भी आप गए, आपने वहाँ पर भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस का उसका इफ्तिताह किया। सर, क्या कुछ मकसद है और दौरे में क्या कुछ आप है? मुझे अच्छा लगा, यहाँ लीगल एड अवेयरनेस कैंपेन के लिए आया और कई लोगों को हमने लीगल एड भी दिया। यहाँ लीगल डिफेंस काउंसिल का भी ऑफिस उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में लीगल एड का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सारे जजों के साथ मिल करके, लीगल सर्विस अथॉरिटी मिल करके लोगों को इंसाफ देने के लिए, न्याय देने के लिए काम करते हैं। लोग आजकल खुश है, यहाँ काफ़ी भारत सरकार का स्कीम का लाभ मिल रहे हैं और कश्मीर अभी शांति है, बहुत अच्छा है। ऐसे समय में लोगों को और आना चाहिए और लुत्फ उठाना चाहिए। अच्छा, ट्यूलिप गार्डन में आप आए हैं, किस तरह के का आप को ये प्लेटफॉर्म लग रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर? अच्छा है ना, सब आएंगे, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इतना खूबसूरत नजारा है, लोग आना चाहेंगे और भी, बहुत अच्छा है। ट्यूलिप गार्डन में आप आए हैं, यहाँ पर ये ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, इस मरतबा ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर उन्होंने इन फूलों का लुत्फ उठाया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में हालात अब बेहतर हो रहे हैं और जिस तरह से जो ट्यूलिप गार्डन में यहाँ पर सयाहों का रश है, तो यकीनन आने वाले वक्त में भी, जैसे बीजेपी लगातार, जैसे सरकार लगातार ये कह रही है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के इकदाम किए जाएंगे और कश्मीर को सयाहत से रोकने, कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने उनको जानकारी दी कि किस तरह से ट्यूलिप गार्डन यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। फिरोजवानी के साथ अब्दुल हुसैन, न्यूज 18 श्रीनगर।